नमस्कार दोस्तों, आज हम एक साउथ इंडियन डिश बना रहे हैं उपमा, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। बहुत इजीली बन जाती है, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें हमने लिया है 200 ग्राम बारीक रवा है, एक प्याज काटा है बारीक, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और उड़द की दाल और चने की दाल को 1 घंटे पहले गला दी थी, उसका पानी निकाल दिया है। अब हमने थोड़ी सी नीम की पत्ती, कड़ी पत्ता भी बोलते हैं इसको, हरा धनिया, किशमिश, नींबू का रस, राई और नमक और ऑयल लगेगा हमें। आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन हीट कर लेते हैं और उसमें रवा डाल देंगे, इसको हम सेकेंगे, इसको सूखा ही सेकना है, धीमी आंच पे इसको सबसे पहले सेकना है। लगातार चलाते रहें, थोड़ा जल्दी हो जाता है ये। हमने ये जो लाल मिर्च ली है इनको हम बारीक काट लेते हैं। आप इसके बीज हटा भी सकते हैं। हमने मिर्ची में से उसके बीज निकाल दिए हैं, इनको हटा देते हैं। ये कटी हुई मिर्ची है। 2-3 मिनट के बाद ये रवा हमारा गुलाबी होने लग गया है। ये तैयार हो गया है, इसको हटा देते हैं। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम राई क्रैकल करेंगे। फ्राई होने के बाद हम प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज के साथ ही नीम के पत्ते, लाल मिर्च, उन सभी को हमें अच्छा सेकना है। किशमिश डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन करना है हमें प्याज को। फिर हमने जो दाल गलाई थी, उड़द की दाल और चने की दाल, ये भी इसी में डाल देंगे ताकि प्याज के साथ ये भी अच्छी फ्राई हो जाएगी। ये हमारे प्याज, लाल मिर्ची, किशमिश सब अच्छी तरह सिक गए हैं। अब हम इसमें रवा डाल देंगे जो हमने सेका था। इसको थोड़ी देर और मिक्स करेंगे अच्छे से। रवे की सिकाई जितनी अच्छी होती है वो उपमा अपना अच्छा हल्का बनता है।
अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। पूरा रवा डूब गया, इतना पानी डालें, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक अंदाज से डालें। इसको फिर से एक बार मिक्स कर देते हैं। और स्लो फ्लेम पे इसको ढक के रख देंगे। 3-4 मिनट बाद अब हम इसको खोल के देखेंगे। ये पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया है इसमें। अब इसको वापस से मिक्स करेंगे। थोड़ी और स्टीम आने दें। अभी हमारी स्टीम आ गई है। उपमा हमारा बन गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। मैंने फ्राई किए हुए मूंगफली दाने डाले, थोड़े से ये डालें, थोड़े फ्राई किए हुए अनियंस हैं, ग्रेट किया हुआ नारियल है। ऐसे आप अपनी इच्छा से जो आपको स्वाद अच्छा लगता है उससे गार्निशिंग कर सकते हैं। थोड़े अनार के दाने डालें। ये हमारा उपमा तैयार है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।